जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व इस सदन में करता हूँ। और महोदय, इन दोनों जिलों की स्थिति सिंचाई और पेयजल के मामले में अति गंभीर है। कई स्थानों पर तो 350-400 फीट पर भी जाके पानी मिलता है। यह परियोजना पुनर्निर्मित अपर सकरी जलाशय परियोजना का हिस्सा है, जिसे सन 1974-75 में प्रारंभिक रूप से परिकल्पित किया गया था। एक पूर्व प्रस्ताव में गिरिडीह जिले के जोरीसिरी गांव के पास सकरी नदी पर लगभग 232 मीटर लंबा बांध बनाने का भी प्रस्ताव था, जो सकरी और नाटा नदी के संगम पर था। राज्य के विभाजन के बाद झारखंड सरकार ने इस परियोजना का अनुसरण नहीं किया और राज्य की सीमा के भीतर स्थित क्षेत्रों के डूबने के कारण इसे अनुमति नहीं दी। सतही और भूजल संसाधनों के संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बक्सौती बराज के निर्माण के लिए एक नए प्रस्ताव का समर्थन किया। 28 अगस्त 2016 को अध्यक्ष जी झारखंड और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक में झारखंड राज्य ने उल्लेख किया कि सकरी उप बेसिन में झारखंड राज्य की कुल सिंचाई घरेलू और औद्योगिक जल आवश्यकताएं क्षेत्र में उपलब्ध कुल जल से अधिक है और झारखंड बिहार को बक्सौती बराज परियोजना के निर्माण के लिए NOC देने की स्थिति में नहीं है। यदि बक्सौती बराज परियोजना को मंजूरी दी जाती तो भविष्य में जल की कमी की स्थिति में इसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी क्रम में एक संयुक्त बैठक में सकरी उप बेसिन में उपलब्ध सतही जल के उपयोग के लिए एक समझौता भी हुआ, जिसमें सकरी नदी के कुल 159.20 मिलियन क्यूबिक मीटर और नाटा नदी के 16.59 मिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और भूजल का उपयोग संयुक्त रूप से किया जाना तय हुआ। इस संयुक्त उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया, जो अभी भी अधर में। अब समाप्त कीजिए। बस उपरोक्त निर्णय झारखंड द्वारा सिंचाई, घरेलू आपूर्ति, पशुधन आवश्यकता और औद्योगिक आवश्यकताओं के मांग को बिना किसी दावे विशिष्ट जानकारी के आधार पर लिया गया, जबकि बिहार की 1958 से प्रतिबद्ध सिंचाई उपयोग को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूँ सेंट्रल वाटर कमीशन से कि दोनों राज्यों को फिर से पुनः बैठाएं और टू मेक इट हैपन वाला अप्रोच के साथ इसको अप्रोच करें। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी का पुल बनाकर असंभव को संभव किया गया, इस प्रकार से इसको भी दोनों को हित में ध्यान रखते हुए, ये लाखों किसानों के जिंदगी की बात है, इसको जब पुनः बैठाया जाए। धन्यवाद। माननीय